हाँ तो स्टूडेंट्स, हमारा ये क्वेश्चन बीच में रह गया था लास्ट वीडियो में, तो हम करते हैं इसको। अब जो नेक्स्ट स्टेप बचा था हमारे पास, भाई फोर्थ टर्म यानी चौथे पद में से कौन सा पद घटाना हमें, तीसरा पद। तो चौथा पद क्या था, 3 + 3 वर्गमूल 2, और माइनस जो तीसरा पद है वो हमारे पास क्या, अभी 3 + 2 वर्गमूल 2। तो यहाँ भी क्या आएगा हमारे पास, 3 + 3 वर्गमूल 2 -3, तो ये भी क्या जाएगा, माइनस का 2 वर्गमूल 2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, और भाई कितना है, 3 वर्गमूल 2 -2 वर्गमूल 2, तो किसके बराबर आएगा, ये भी 1 वर्गमूल 2। तो यहाँ भी देखो क्या आया, वर्गमूल 2, यहाँ भी क्या आया, वर्गमूल 2, और यहाँ भी क्या आ गया, अभी वर्गमूल 2। तो इस श्रेणी के सभी पदों के बीच का जो अंतर है वो कितना रहा हमारे पास, भी वर्गमूल 2 आता है ना, तो डी बराबर कितना आ गया हमारे पास भाई, वर्गमूल 2, और ए बराबर कितना आ गया हमारे पास, 3। तो इसका प्रथम पद और सार्वंतर आ गया। देखो जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात तो ये पूछेगा कि भाई जो दी गई श्रेणी है वो समांतर है या नहीं है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि भाई जो श्रेणी हमारे पास वो कैसी है, समांतर श्रेणी है। कैसी श्रेणी है हमारे पास, भाई ये समांतर श्रेणी है। दूसरी बात क्या पूछता है, इसका सार्वंतर और प्रथम पद ज्ञात कीजिए, वो हमने ज्ञात कर दिया। तीसरी बात क्या पूछता है, किसकी अगले 3 पद ज्ञात करो। तो अगले 3 पद कितने पद दिए गए हमारे पास, भी 5 पद दिए गए हैं, तो 5 के बाद कौन सा पद आएगा, छठा पद, फिर सातवां पद, और फिर कौन सा पद आएगा, आठवां। छठे का मतलब क्या होगा हमारे पास, ए प्लस 6 में से गया 5d, तो ए का मान कितना है, 3 + 5, डी का मान वर्गमूल 2। ए प्लस 7 में से गया 6d, तो ए कितना है हमारे पास भाई, 3, और प्लस 6 गुणा में वर्गमूल 2, ए प्लस 7d, ए का मान 3 है, प्लस 7 गुणा में डी का मान कितना है, वर्गमूल 2 है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन क्या भी कंप्लीट होता है। अब एक टाइप और आती है इस क्वेश्चन में, वो आती है हमारे पास, ये हमने सारे क्या लिए अभी, एग्जांपल्स लिए हैं। ये मान लो हमारे पास एग्जांपल 1, ये 2, और ये एग्जांपल 3। अब हम लेते हैं एग्जांपल 4। इस एग्जांपल में वो कहता है हमारे पास कि भी अपने पास कोई श्रेणी, समांतर श्रेणी दी गई है। क्या दी गई है, कोई समांतर श्रेणी। वो कई बार ये लिख देता है कि हमारे पास AP दी गई है। क्या दी गई भी है, AP। अब हमने पढ़ा है भाई समांतर श्रेणी, अब ये AP क्या है, AP भी क्या होती है हमारे पास, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब भी क्या होता है भाई, समांतर श्रेणी। क्या होता है, समांतर श्रेणी। अब उसने श्रेणी क्या दी है हमारे पास, समांतर दी है पहले से ही, जैसे कहता है 1/3, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, ये श्रेणी कहता है भी समांतर है। तो इसमें कहता है कि भी इसकी फर्स्ट टर्म यानी इसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करो, प्रथम पद और सार्वंतर। अब ये श्रेणी है ना, समांतर दे दी उसने, तो मैं समांतर करके दिखाने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसका जो प्रथम पद है वो कितना है, 1/3। तो जब श्रेणी समांतर दी हो तो सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं हम, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना है, 5/3, और माइनस पहला पद कितना है, अभी 1/3। तो दोनों का हर क्या आ गया, समान आ गया ना, तो 5 - 1, 5 में से गया 4, 4/3। तो अभी श्रेणी का जो सार्वंतर आया वो कितना आ गया हमारे पास, 4/3, और प्रथम पद कितना आ गया, अभी 1/3। तो हमने इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन किए हैं, और यही क्वेश्चन अपने फर्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं। तो आप लोगों को आज फर्स्ट एक्सरसाइज ट्राई करनी है।